स्टे पॉजिटिव गुड थिंग्स विल है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज अवारेड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मॉरिशस में है हेडक्वार्टर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बेंगॉल बिम्स्टेक कंट्रीज़ की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी पुणे में होने वाली है फिफ्टी सेवेंथ ज्ञानपीठ अवॉर्ड मिला है श्री दामोदर माउजो जी को आज के सवाल हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनिवर्सल कवरेज ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है डेली वॉज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरेटोरी बाई विच अमेंडमेंट एक अमेंडमेंट आया था जिससे बना नेशनल कैपिटल टेरेटोरी तो उस अमेंडमेंट एक्ट का नंबर नाम क्या है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में सो दैट इज वाई इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया हुईंज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ये कौन डिटरमाइन करता है आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन जे कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू विच स्टेट सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है फॉर्मेडेबल फॉर्मिडेबल मतलब जिसको जीतना मुश्किल है दुर्जय इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बींग इम्प्रेसिवली लार्ज पावरफुल इंटेंस और केपेबल कैवियट का मतलब होता है चेतावनी वार्निंग

फैक्ट और पावर ऑफ एंडिंग एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस और सिचुएशन विदाउट वे सो ये वोकेबलरी वर्ड हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और आज है द हिंदू दिस इज एटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी सी फर्स्ट जो न्यूज है वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्लीजेज अमेजन फ्यूचर डील और स्लैप किया 200 करोड़ का फाइन ऑन यूएस फर्म ई कॉमर्स कंपनी कंसील्ड डिटेल्स वाइल सीकिंग अप्रूवल ये बात कही रेगुलेटर में ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है पहली बात ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ये स्पेसिफिकली सिलेबस में दिखा है तो सी सी आई इज अ रेगुलेटरी बॉडी सो दिस इज इंपॉर्टेंट सेकेंड यहाँ जो बात है वहां पे है डिजिटल मार्केट प्लेस का और ये जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती है इसको रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है अब सी अमेजोन क्या है अमेजॉन एक ई e रिटेलर है फ्यूचर जो है फ्यूचर ग्रुप का ऑफलाइन मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है काफ़ी बड़ा इनके पास सिग्निफिकेंट कैपेसिटी है अमेजॉन जो है ये ई e रिटेलर है तो इसके लॉन्ग टर्म प्लान्स ये भी हैं कि ऑफलाइन मार्केट में भी ये वेंचर करें तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ कंपनीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है दे आर टू बिग तो वहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात का इंश्योरिटी करता है कि ये बहुत ज़्यादा मोनोपोली तो नहीं हो जाएगी या ट्रेड डिस्टॉर्शन तो नहीं होगा कंज्यूमर राइट्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएंगे बिकॉज दे आर टू बिग टू बिग दे कैन डिक्टेट सो मेनी टर्म्स तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसज़ तो नहीं हो जाएगी जैसे कई दफ़े गूगल पे भी सवाल उठते हैं ये लोग क्या करते हैं इनके पास बहुत बड़ी पॉकेट्स है फंडिंग्स बहुत ज़्यादा है पॉकेट्स भी है डीप पॉकेट्स है तो ये लोग क्या करते हैं कि जो इनको पोटेंशियल कॉम्पिटिशन नज़र आता है ना ये उसको परचेज कर लेते हैं परचेज कर लेते हैं सो दैट दिस कॉम्पिटिशन स्टार्ट वर्किंग अंडर दिस पेरेंट कंपनी तो दे किल द कॉम्पिटिशन इससे क्या होता है कॉम्पिटिशन नहीं होता है तो ये इनोवेशन के लिए बैड है ये यूजर्स के लिए बैड है और दिस इज ओवरऑल बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो दैट इज़ वाई ये जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसज है इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है तो सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ के लिए बॉडी आती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब कंपटीशन होना अच्छी बात है बट ये कंपटीशन एक फेयर मैनर में होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए और रूल बेस्ड होना चाहिए सो दैट ओपननेस के कारण कंपटीशन के पॉजिटिव हमें नतीजे मिले नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए यूजर्स पे और दिस ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ पे सो so, जैसे ये कंपनीज हैं अमेजोन और फ्यूचर तो इसका बैक स्टोरी हमने पहले भी देखा था 2019 का टाइम है अमेजोन ने 200 मिलियन डॉलर का डील साइन किया और 49 परसेंट स्टेक ले लिया फ्यूचर कुपॉन्स में और ये जो फ्यूचर कुपॉन्स है ये 7.3 परसेंट इक्विटी रखता है फ्यूचर रिटेल में तो दिस इज रिटेल और दिस इज़ कुपन तो अमेज़ॉन ने फ्यूचर कुपॉन में 49 परसेंट स्टेक ख़रीद लिए और फ्यूचर कॉपॉन का 7.3 परसेंट इक्विटी था फ्यूचर रिटेल में और उसके साथ कंडीशन ये भी लगाई कि फ्यूचर रिटेल में फर्दर और इसे अमेजॉन को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है बिटवीन अ पीरियड ऑफ थ्री टू तो टेन ईयर्स बट फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया कि जैसे अमेजोन का एक और कॉम्पिटिशन है वो है रिलायंस तो फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया फ़्यूचर रिटेल का सेल कर दिया फ़्यूचर ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल का एसेट सेल कर दिया रिलायंस को तो इस बात से अमेजॉन को बुरा लगा अमेज़ॉन ने बोला कि पहले हमारे पास फर्स्ट राइट ऑफ डेनाइल था बिकॉज पहले ही हमारी डील 2019 में हो गई थी तो 2020 में अपने रिटेल बिजनेस रिलायंस को क्यों सेल किया तो इस बात पे ये मैटर गया फिर कोर्ट पे कोर्ट ने इसको स्टडी भी किया सी के पास भी ये मैटर गया तो सी सी आई ने यह बोला कि अमेजोन ने जो ये सेल भी किया था परचेज़ किया था तो इसके जो फाइन डिटेल्स हैं वो आउट नहीं किए सो दैट इज़ वाई ये डील पे ही अब सवाल उठ गए तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप का जो सेल किया था यू एस की ई e कॉमर्स कंपनी को तो इन्होंने सप्रेस किया फुल डिटेल और स्कोप इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं लिया अब क्या होगा कि इस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा जब भी ऐसी जो बिग टिकट सेल्स होती है ना बिग टिकट परचेजेस होती है तो कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस आपने फॉलो किया है इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है तो कॉम्पिटिशन लॉ में ये क्लियर है कि अक्यूजिशन हो रहा है मर्जर हो रहा है अमलगमेशन हो रहा है दो या मोर एंटरप्राइजेस को तो वो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कॉम्पिटिशन को ही किल कर दे तो देर आर सर्टेन सेफ गार्ड्स तो वो सेफ गार्ड्स के आप फॉलो हुए या नहीं हुए इस बात पे सवाल है बिकॉज यू नो एक तरफ तो रिटेल मार्केट मतलब ऑफलाइन मार्केट का जॉइंट है फ्यूचर ग्रुप दूसरी तरफ ऑनलाइन मार्केट का जॉइंट है अमेजोन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यहाँ अमलगमिशन हो जाता है तो दिस मेक्स इट ह्यूज तो इट कुड गो अगेंस्ट कॉम्पिटिशन तो दैट इज वाय सी सी आई जो है यहाँ पे बड़ा एप्रिहेंसिव लगा तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे दिस स्टे लगा दिया है फ्रीज कर दिया है इस डील को और इतना फाइन भी लगा दिया है यूएस फर्म पे लेट अस सी अब ये आगे कैसे आगे बढ़ता है अब हमारे काम का क्या है यहाँ पे हमारे काम का है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज क्लियर कट सिलेबस में लिखा हुआ है सो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सी सी आई क्या होता है सिंपली ओपन इट्स वेबसाइट इसके अबाउट मी सेक्शन पे जाइए इवन जो विकीपीडिया है वो भी वंडरफुल है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है इसको पढ़िए समझिए अपने शब्दों में लिखिए वाई डू अ कल्चर ऑफ ओपन ट्रांसपेरेंट एंड हेल्दी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस इज डिजायर्ड फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इकोनॉमी तो ये पहला पार्ट है ये बड़ा स्टैटिक पार्ट है सभी ऑलमोस्ट एक ही चीज लिखेंगे वॉट इज सी सी आई सेकेंड पार्ट है इसमें आप अपना टैलेंट दिखाओ कि इसमें आप अपनी थिंकिंग बताओ कि ओपन कंपटीशन क्यों होना चाहिए ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिशन क्यों होना चाहिए हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस क्यों होनी चाहिए सो दैट सेफ कर पीपल एंड थ्योरीज लिखो थिंकर्स लिखो स्टेटमेंट्स लिखो एग्जाम्पल्स लिखो एंड डू दिस क्वेश्चन एंड देन जब आप ए फोर ऐसे यू का ऐसा कॉपी में आप आंसर लिख लो तो उसको स्कैन करो स्कैन को जेपैक फॉर्मेट में करो और इस वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड कर दो फिर उसको पी फॉर्मेट में करो और उसको आप मुझे मेल कर दो ओके सो अपलोड सबमिट योर आंसर्स ओवर हियर सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सो ये पहला टॉपिक हो गया दूसरा दिस इज पॉलिटिकल ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल कल ये यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था एप्रीहेंशनस हैं डरना चाहिए हमें आई चीफ ने भी यहाँ पे बताया नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स को स्टॉप करिए गैदरिंग मास गैदरिंग को कम करिए और बी वेरी वेरी केयरफुल फेस्टिवल का भी टाइम है सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बाकी रूमर मॉन्गरिंग में नहीं जाना है कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव है या नहीं है बूस्टर वैक्सीनेशन लगेगा या नहीं लगेगा कुछ पिल्स भी हैं वो इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी डोंट गो फॉर दैट वॉट इज इन योर हैंड इज़ वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगा है तो गो गेट वैक्सीनेशन सेकेंड फॉलो अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल एंड डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस रूमर एंड जो पैनिक वगैरह क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट अभी आना चालू हो जाएंगी तो उसका पार्टिसिपेशन नहीं करना है ओके दिस इज ओमिक्रॉन स्कूल्स टू रीओपन इन एन सी आर फॉर क्लास सिक्स थे तो अभी जो स्कूल्स बंद हुए थे वो बंद हुए थे एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट होने के कारण अब एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो दिल्ली एन सी आर में स्कूल फिर से ओपन होंगे तो यहाँ पर इसकी परमिशन मिल रही है अब लेटेस्ट थी कोविड भी आ रहा है देखते हैं आगे क्या होता है देन तमिल थाई दिस इज डिक्लेयरड तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग तो दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल टू राइज वेन प्लेट सो दिस इज स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु तो ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सेकेंड जो है दिस इज़ देयर उत्तर प्रदेश एंड सी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना इट्स अ टेम्पलेट कि हम कई बार डेकोरेशन करते हैं फेस्टिवल टाइम पे तो ये जो डेकोरेशन का मटेरियल है क्यों ना इसको भी वापस रिसाइकल किया जाए रीसाइकिलिंग इज़ नेसेसरी सो दिस इज़ देअर अपसाइकल्ड फेस्टिवल दिस डेकोर प्रोसेस्ड इसे वापस करें रीप्रोसेस करें सो दैट जो वेस्टेज है वो कम हो दैन दिस इज नेक्स्ट पेज अपसी यहाँ जो बात है वह है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख का दिस एडविटोरियल ये है लद्दाख दिस इज़ लद्दाख एंचेंटिंग लद्दाख शो केसिंग एक्सक्यूसिट पशमी प्रोडक्ट पशमी हम बहुत सुनते हैं पशमी की शॉल्स आती हैं लद्दाख हैंडलूम हैंडी क्राफ्ट लद्दाखी औरिजिन के फूड प्रोडक्ट्स भी हैं हिमालयन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख की हर्ब्स फ्राम द रीजन लद्दाखी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होंगे तो ये इनगरल यहाँ पे फेस्टिवल है फोर थर्टी पी पे होगा दिस इज देयर ओके बट वॉट वी हैव टू डू बिकॉज यू नो ये अभी हाल ही में यूटी ऑफ लद्दाख बना है तो हमें ना लद्दाख के बारे में जानना बहुत जरूरी है इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज चाइना के साथ अभी यहाँ पे रिसेंट टेंशन जो बॉर्डर इशूज थे वो लद्दाख में हुए थे सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द जोग्राफी एंड कल्चर ऑफ़ द यूटी ऑफ लद्दाख अब इसमें क्या करना है आप मैप बनाओ कि लद्दाख कहाँ पर है देन लद्दाख के जो इम्पोर्टेंट जैसे जोग्राफिकल फीचर्स में आप क्या बता सकते हो रिवर्स प्लेटू माउंटेन पीक्स पासिस कौन कौन से हैं यहाँ पे देन आप इसकी स्ट्रैटेजिक पोजिशन को डिस्कस कर सकते हो तो जोग्राफीज इज़ ओपन पोलिटिकल हिस्टोरिकल जोग्राफी ये सारी चीज़ें कवर करिए जोग्राफी का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है लद्दाख का लाइक like दैट ये जानना बहुत जरूरी है जोग्राफी ऑफ लद्दाख देन यहाँ का जो कल्चर है कल्चर के बारे में भी वी शुड बी हैविंग अ फेयर आइडिया कि यहाँ पे ट्रेडिशन क्या है बुद्धिज़म की यहाँ पे अक्सर जो यहाँ पे बुद्धिज़म के प्लेसेज हैं वो कई बार एम में डायरेक्टली पूछे गए हैं कि ये मोनेस्टरी कहाँ पर है तो कल्चर ऑफ़ यूटी ऑफ लद्दाख भी हमें जानना है सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे जस्ट गेट फैमिलराइज एंड लर्न एज मच एज यू कैन ऑन दिस यूटी ऑफ लद्दाख सो दिस इज दिस क्वेश्चन आने वाले टाइम पे हम जब इंडिया चाइना रिलेशंस देखेंगे तो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट हिमालयन बैटलफील्ड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तो वहां ये बड़ा हेल्प करेगा टेम्पलेट ओके सो प्रिपेयर दिस टेम्पलेट वेल अब आते हैं एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है फॉरन ऑनेस्ट ब्रोकर ब्रोकर क्या होता है जो मध्यस्थता कराता है मध्यस्थता करानी है चाइना इधर है और यहाँ पर है इंडिया और बीच में है ये रशिया तो क्या रशिया एक ऑनेस्ट ब्रोकर बनेगा इस बात पर सवाल है रशिया ने बोला वो फैसिलिटेट करेगा इंडो चाइना टॉक्स को स्क्रूटिनाइज इसको क्लोजली करना पड़ेगा अभी प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन भी आए थे एक समिट भी हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसमें चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग भी थे बट प्रॉब्लम इज कि चाइना पे डिफ़िकल्ट चाइना पे ट्रस्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्रेमलिन में हमने ये भी बताया कि हमारे अप्रिहेंशन क्या है जैसे चाइना का जो एग्रेसिव स्टैंड होता है एल में दिस काजेज टेंशंस एक है रशिया इंडिया चाइना ट्रायलेटरल समिट रशिया इंडिया चाइना ट्रायलेटरल समिट आर आई सी ये अभी इन फ्यूचर हेल्ड होने वाला है यहाँ पॉसिबली वन ऑन वन मीटिंग होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर पुतिन और शी का तो यहाँ जब वन ऑन वन आमने सामने इन पर्सन बात होगा तो इसका एटमोसफियर कैसा होना चाहिए टॉक्स किस डायरेक्शन में जाना चाहिए सो so दैट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो पाए ये पहली बार अभी ऐसा होगा सी 2019 में ओसाका का जी ट्वेंटी हुआ था उसके बाद से अभी तक ऐसे प्रीमियर का वन ऑन वन इन पर्सन मीट नहीं हुआ है चाइना का जो एग्रेशन है एल लास्ट ईयर हमने देखा गलवान क्राइसिस में भी तो ये डेंट करता है जो हमारे पंचशील के सिद्धांत हमने बनाए थे पीसफुल को के नेबर्स में एप्रीहेंशन आते हैं अब सी चाइना ना हैबिचुअल रहा है इस बार इस मामले में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के टाइम पे भी हमने देखा नाइनटीन में हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया 1950s में ही दिस पंचशील के पांच सिद्धांत आए आप बताओ पंचशील के पांच सिद्धांत कौन से हैं वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर उसके बाद हुआ 1962 का वॉर बैकस्टेप किया सिमिलर इज द केस विद फर्दर फर्दर जो प्राइम मिनिस्टर्स आए उन्होंने भी सेम यही बात कहा कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट चाइना हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे भी हमने देखा अभी ममलापुरम टॉक हुआ वुहान समिट हुआ बट स्टिलो नो रिजल्ट तो द पॉइंट इज द पॉइंट इज कि यहां पर जो क्रेडिबिलिटी है चाइना की वो कैसे इंश्योर किया जाए ओके okay. अब यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है कि जो अभी मल्टीलेटरल समिट्स भी होते हैं जैसे ब्रिक्स हुआ एस सी हुआ जी ट्वेंटी हुआ तो कई बार क्या होता है मल्टीलेट्रल समिट्स में बायोलेट्रल जो इश्यूज है वो रेज हम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं. तो दिस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग अब बात की जाए रशिया की तो रशियन प्रेसिडेंट अभी इंडिया विजिट हुए एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम भी है एस फाइव हंड्रेड मिसाइल सिस्टम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी भी बात चल रही है इंडिया ने यूएसए के प्रेशर के बावजूद रशिया से ये वेपन्स खरीदे तो मतलब रशिया इज़ ऑल्सो ऑबलाइज कि वो इंडियन इंटरेस्ट को कंसिडर करे बिकॉज इसमें रशियन इंटरेस्ट भी है तो अब ये देखना होगा कि ये तीनों चीज़ें कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होगा रशिया को अगेन डाउट्स क्यों आते हैं रशिया पे बिकॉज जैसे अभी अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ तो उसमें रशिया ने इंडिया को इतना एक्टिवली इन्वॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया प्लस रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट होता जा रहा है यूएस की सेंक्शन रशिया पे भी है यू की सेंक्शन चाइना पे भी है तो ये दोनों में दोस्ती बढ़ती जा रही है और विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी चाइना का जो पैसा है वो बहुत हद तक रशिया में भी लगा हुआ है तो रशिया इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइना रशिया साइलेंट हो जाता है जब ताइवान क्राइसिस आता है रशिया यूगर क्राइसिस में भी कुछ नहीं बोल रहा है सो दिस इज़ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रशिया यहाँ पे क्या ऑनेस्ट ब्रोकर रहेगा जब इंडिया और चाइना के रिलेशन्स की बात आएगी सो द अगेन पॉइंट इज़ कि यहाँ जो वर्ल्ड में डिप्लोमेसी जो चलती है हर कंट्री अपने बेस्ट इंटरेस्ट देखता है रशिया के भी इंटरेस्ट हैं कि इंडिया जैसे यूएसए के साथ ज़्यादा क्लोजर होता जा रहा है तो रशिया भी अपने कार्ड्स यहाँ पे डाउन नहीं करना चाहेगा तो व्हाट इंडिया शुड डू इंडिया को भी सेम यही स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है हम उसको फॉरवर्ड करें यूएसए के साथ भी टाइज बढ़ाएं यूरोपियन यूनियन के साथ भी करें चाइना के साथ हमारी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है रशिया के साथ भी हमारी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है एट द सेम टाइम बिकम स्ट्रोंगर बिकम स्ट्रांगर बिकॉज इफ इंडिया इज अ स्ट्रोंगर बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी सो दिस वी नीड टू डू वेन द चिप्स आर डाउन मतलब चीजें अभी हालात मुश्किल है हालात मुश्किल कहाँ पर है सेमी कंडक्टर क्राइसिस में तो हम सेमीकंडक्टर मिशन लेके आ रहे हैं कल ही हमने पढ़ा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी मिलेगी छिहत्तर हजार करोड़ रुपए का गवर्नमेंट सपोर्ट देगी कि सेमीकंडक्टर्स बनाओ मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाओ आईसीज बनाओ ये मॉडर्न इकोनोमी के लिए बहुत ज़रूरी है तो अभी जो बात है ना इलेक्ट्रॉनिक्स चिप सेमी कंडक्टर्स एट्सेट्रा दे आर यूबिक्यूटर्स ये हर जगह मिलते हैं चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो गैजेट्स हो ऑटोमोबाइल हो एवरीवेयर एसेंशियल मेडिक्स मेडिकल डिवाइस में हाउस होल्ड गैजेट्स में रेफ्रिजरेटर में एवरीवेयर सेमी कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आर एवरीवेयर प्रॉब्लम यह है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक हुआ तो सप्लाई चेन शॉर्टेज हुआ वर्नरेबिलिटी जियो पॉलिटिक्स और एक डिसरप्शन आ गया सेमी कंडक्टर सप्लाईज में प्लस वर्क फ्रॉम होम वगैरह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी डिमांड बढ़ गई डिमांड इज हाई सप्लाई इज लेस सो देर इज अ क्राइसिस अब बात यह है कि हम सब चीज़ इंपोर्ट कराते हैं तो हमारा बिल बहुत बढ़ जाता है सो वी नीड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन का तरीका यही है कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करें तो ये तो पहला पार्ट हुआ दूसरा पार्ट हुआ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपए का पैसा हमने लगाया है दिस इज़ वेरी वेरी लेस बिकॉज सेमी एक ऐसी चीज़ होती है बहुत रैपिडली इसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है जैसे अभी हम जैसे चिप्स ही देखते हैं अभी कुछ टाइम पहले 10 नैनोमीटर वाला जो चिप था वो ही बड़ा अच्छा माना जा रहा था अभी फाइव पे आ गया अब नेक्स्ट थ्री नैनोमीटर आ जाएगा सो टेक्नोलॉजी इवॉल्वस रैपिडली और इसमें ह्यूज अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है तो हमें और पैसे एंड फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो बट एनी डायरेक्शन हमारा अच्छा है हम सेमी इंडस्ट्री बना रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा हम हर एरिया टच करेंगे फैब्रिकेशन फैब fab, सारा बिलियन डॉलर इंडस्ट्री सेटअप करने का प्लान होगा बट वी विल नीड मोर मनी और मोर इसका थोड़ा गेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है चिप मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट दैट इज़ी इसमें वेस्टेज भी बहुत होता है चिप फेलियर्स भी बहुत होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टेबल सप्लाई चाहिए होगा और वाटर भी बहुत हीउंट में चाहिए होता है चिप मैनुफैक्चरिंग में वॉटर सप्लाई तो वी विल बी नीडिंग ऑल दीज थिंग्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने के लिए सो अगेन इट इज वेरी अर्ली बट द पॉइंट इज डायरेक्शन अच्छी है छिहत्तर हजार करोड़ रुपए से इट्स इट्स अ स्टार्ट इसको और फर्दर आके लेके जाना चाहिए सेमी कंडक्टर मिशन में देन द चैलेंजेस ऑफ अचीविंग नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट अब इसमें ब्रॉडली क्या है चैलेंजेस क्या है अब इसमें पता है रेगुलर टॉक है जो हम रोज ही देखते हैं अभी कल को ओमिक्रॉन का ब्लास्ट हो गया बहुत सारे केसेज आने लग गए ये सब टॉक बैक टू जीरो हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है हमने जीडीपी ऑलरेडी समझ लिया है जीवीए भी ऑलरेडी समझ लिया है हमने ये भी देख लिया इकोनॉमिक रिकवरी के डिफरेंट शेप्स क्या होते हैं लाइक जेड शेप क्या होता है वी शेप्ड क्या होता है यू शेप्ड क्या होता है के शेप्ड क्या होता है इंडिया की बात माने तो इंडिया में के शेप्ड है वी शेप्ड रिकवरी नहीं हो रही है एक सेक्शन ऊपर गया तो दूसरा सेक्शन नीचे गया अब हमें नहीं पता ये कितने टाइम बाद यहाँ पे पैरिटी आ पाएगी सेकेंड ग्रोथ के डेफिनेटली इंडिकेटर्स दिख रहे हैं ग्रीन शूट्स हैं ई वे बिल बड़ा है टैक्स कलेक्शन जी एस टी बढ़ा है देर आर गुड इंडिकेटर्स आई आई पी वगैरह के नंबर्स भी नॉट दैट बैड इन्फ्लेशन इज ऑन राइज बट ओवरऑल इकोनॉमिक इज इकॉनमी इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी प्रॉब्लम ये आएगा कि क्या ये सस्टेन हो पाएगा और उसमें भी प्रॉब्लम आएगा ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट क्या करता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में सो दिस विल नीड टू सी द चैलेंज ऑफ अचीविंग नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट बाकी ये नंबर पर भी डिवेल नहीं करिए ये हर हफ्ते बदल जाते हैं तीज नंबर जस्ट फॉलो द बेसिक्स इंडिकेटर्स आर गुड बट स्टेबल नहीं है ये आर्टिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डिसेबल्ड सिटीजन्स टू हैव द पुलिस दे डिजर्व सी ये जो टॉपिक है ना स्पेशली एबल्ड परसन्स का ये बहुत जरूरी है कि हम समाज में इक्विटी लाएँ इक्विटी और इंस्टेड ऑफ़ डूइंग दिस कि हम यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यू नो वॉट दे वॉन्ट दे वॉन्ट इक्वेलिटी मतलब नॉर्मल सी जैसे नॉर्मल सभी लोग हैं ऐसे ही नॉर्मल हमें उन्हें एम्पावर करके बनाना है वो कैसे बनाएंगे लॉज होते हैं रेगुलेशन होते हैं इसको फ्रेंडली बनाएँ सेंसिटिव बनाएँ प्लस जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप सेंसिटिव करो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली होना चाहिए जैसे रैम्प बना दो रैम्प बनाना कितना आसान काम है बट बहुत जगह ये जो रैम्प होती है वो होती नहीं है वहाँ पे अभी भी स्टेयर्स ऐसे लगे हुए हैं जस्ट मेक दिस रैम्प सो देट दे कैन डू वर्क ऑन योर ओन जस्ट इंस्टॉल ब्रेल जो होता है वो इंस्टॉल करो सो देट दे कैन डू वर्क ऑन योर ऑन देयर ओन सो वॉट वी नीड इज़ वी नीड टू एम्पावर वी नीड टू एम्पावर इन रियल सेंस एंड वी नीड टू सेंस दिस सेंस ऑफ नॉर्मल सी सेंस ऑफ नॉर्मल सी एंड दिस लॉज जो रूल्स है एनफोर्समेंट है उसको भी क्विकन करना ज़रूरी है इफेक्टिवली तो ये बात इसलिए भी है क्योंकि अभी एक और बिल आने वाला है इस बिल का जैसे ही आएगा तब हम इस टॉपिक को एक बार फिर से री विजिट करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे डिफरेंटली एबल सेक्शन और इसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड तो डिसेबिलिटी जो होती है वो एक्सपोज करती है हाइट एंड रिस्क ऑफ वायलेंस देर इज़ नो डाउट सो दैट इज़ वाई जो इंफ्रा है वो बेटर करना जरूरी है जैसे सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए यहाँ पे है ना जो स्टाफ वगैरह है वो भी अलर्ट हो स्टाफ जो है कई बार वो इनसेंसिटिव बिहेवियर करता है उसको भी करेक्ट करना जरूरी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस स्टेशन में भी प्रेजेंस में भी डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर में भी डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए ये जो बैरियर फ्री डिज़ाइन बनाए हम ताकि वो फुल्ली अपना दिस मूवमेंट भी पॉसिबल हो उनका क्योंकि एट टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस दीज चैलेंजेस ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं क्राइम के तो स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है पिछले कुछ टाइम पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी एफ़र्ट्स भी डाले हैं एक्सेसिबिलिटी जैसे एक सुगम्य कैंपेन आया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन तो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो हर जगह पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करें ये सारे राज्यों के डेटा दिए हुए हैं पुलिस स्टेशन में भी ऐसा होना चाहिए जो वेमेन चिल्ड्रन पर्सन विद साइको सोशल डिसेबिलिटी है नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे उनको कैसे सेफ गार्ड करें ये डिज़ास्टर प्लानिंग पे ये एंगल भी होना चाहिए जैसे आप एन डी ए की कोई डिज़ास्टर प्लानिंग रिलेटेड आंसर लिखना है तो उसमें जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनका भी एक प्रोविज़न होना चाहिए कि उनको कैसे हम एड्रेस करेंगे वेन द टाइम ऑफ दिस डिज़ास्टर देन थर्ड चीज़ है वो है टूल्स टेक्नोलॉजी आई सी टी इतना एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी तो हम इसको यूज़ करें आई सी टी आईसीटी से पुलिस वेबसाइट्स जो हैं वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाए जो ब्रेल लिपि है कई आजकल तो दिस स्क्रीन का दिस स्पोकन काफ़ी अच्छा हो गया है वो पूरा गैजेट्स वगैरह पढ़ के बता देता है वॉट इज़ देयर ऑडियो विजुअल्स विच इज़ ऑल्सो गुड तो ये राइट right डायरेक्शन में है बट मच टू बी डिज़ायर्ड और फिलहाल फिर यही बात है कि इस चीज़ में हमें इन जनरल पूरी सोसाइटी को लॉज को रूल्स को डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए हमें इक्विटेबल बनाना जरूरी है तो दिस इज द पुलिस जो है वो भी यहाँ पे वर्कआउट करें एक्सेसिबल स्टैंडर्ड्स दिस इज सोइंग सीड्स ऑफ अ डिजास्टर ये बात है श्रीलंका का श्रीलंका में क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन इनको जोश चढ़ा कि हम केवल बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे केमिकल वगैरह नहीं करेंगे अब ये क्या था एक्सट्रीम रिएक्शन था सो दैट इज वाई एक्सट्रीम स्टेप्स आर नॉट गुड हमेशा जो मिडिल पाथ होता है एक बैलेंस्ड ग्रेजुअल जो चेंजेज होते हैं वो बेटर होते हैं वी आर नॉट सींग जो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मर ऑर्गेनिक है दीज आर बैड बट द पॉइंट इज एक क्विक शिफ्ट हुआ ना तो उससे क्या हुआ यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो गई कॉस्ट बढ़ गई और इस तरीके का एक फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज आ गया यहाँ पर तो फार्मर्स भी एंग्री हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं ऑर्गेनिक ओनली शिफ्ट जो पॉलिसी थी श्रीलंका की इसमें चैलेंजेस थे सो दिस इज अगेन अ लेसन फॉर अस डैट इज वाई जब हमने अभी ट्वेंटी सिक्स ग्लास्गो में बात हुआ था कि कोल को अचानक से फेस्ड आउट कर दो हमने बोला फेजड डाउन करेंगे ग्रेजुअल शिफ्ट करेंगे ये नहीं कि कल ही हमने कोल पे बैन लगा दिया नो देन रेजिंग विमेन्स लीगल एज ऑफ मैरिज टू ट्वेंटी वन इन हाउस एजेंडा दिस इज अ गुड स्टेप देन अपसी द हिंदू का एक और प्रॉब्लम है एट टाइम्स जैसे हमें भी ये ध्यान रखना है जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हो तो ये ना बहुत बड़ी पोस्ट्स है जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है हमेशा ये लाइक ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे रेस्पेक्टफुली हम बोलते हैं हम जो पोस्ट है फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री है ये तो दिस वी नीड टू तो अंडरस्टैंड दिस इज एट टाइम्स इन अप्रोप्रिएट सो यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब यहाँ पे गए बांग्लादेश में और यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिस इंडिया बांग्लादेश का जो कल्चरल बॉन्डिंग है उसको एम्थेसाइज किया स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बॉन्डिंग ंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिफ्टी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तो दिस इज देयर फ्रांस रेडी टू सप्लाई मोर रफेल जेट्स अब ये जो रफेल है ना ये कैरियर के लिए आएंगे विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बिकॉज इसमें भी हमें फाइटर जेट्स चाहिए होंगे लैंडिंग जिसकी पॉसिबल हो एयरक्राफ्ट कैरियर में तो थोड़ा डिजाइन ट्वीक्स भी होंगे बट एनी वे फ्रांस इज मोर देन रेडी ईगर टू सप्लाई मोर रफेल जेट्स टू इंडिया अभी यू ने भी बहुत सारे रफेल जेट्स फ्रांस से खरीदे फ्रांस इज अगेन अ बिग वेपन एक्सपोर्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्टर डब्ल्यू एच इमरजेंसी नोट मिला है सेरम इंस्टीट्यूट अब बनाएगा कोवोवैक्स वैक्सीनेशन दिस इज कॉपर चॉपर क्रैश तो यहाँ पे अभी प्रिलिमिनरी यही आ रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी मिस्ड आ गया था और दैट इज वाई ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ दैन दिस इज इकोलॉजिस्ट अपोज चेंजेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू एक नया एक्ट आने वाला है इसमें क्या होगा कि जैसे आयुष वग़ैरह में जो होते हैं उनको बायोलॉजिकल रिसोर्स कुछ यूज करने तो सर्टन एग्जाम्शंस की बात है कमर्शियल ट्रेड की बात है बट इससे क्या होगा जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन डिफिकल्ट हो सकता है ओवर कमर्शलाइजेशन से इस बात पर अभी एप्रिहेंशन है लेट अस वेट ये बिल अभी प्रपोज है आया नहीं है कुछ ही दिनों में आएगा हम बात करेंगे एप्रीहेंशन है बिल को देखते हैं फिर हम विल टॉक अबाउट इट देन दिस इज दिस और ईडी रशिया ड्राफ्ट पैक टू तो लिमिट यूएस नाटो रोल एक्स सोवियत नेशन में रशिया को प्रॉब्लम क्या होती है नाटो यूक्रेन तक आ गया है तो यूक्रेन एज अ बफर स्टेट रहना चाहिए रशिया इस बात को इंश्योर करना चाहता है प्लस जो ब्लैक सी है रशिया उसको अपना बैकयार्ड मानता है और यहाँ नाटो की प्रेजेंस कम जाता है ये यूएस ने चाइना का जो डी है इस पर सेंक्शन लगाए हैं ओवर राइट अब ये ड्रोन हैं डी कंपनी है, है चाइना की दिस इज दैर मियामी यूएस। सो चाइनीज कंपनी चाइनीज कंपनी भी बड़ी ऐप इन पर काफ़ी डाउट्स होते हैं एक बार हुवावे कंपनी है उस पर भी बड़े सवाल उठे थे दिस जासूसी एंड ऑल डेटा थेफ्ट का सो दिस इज डी ड्रोन सेलर और मित्तल का स्टील इन्वेस्टमेंट ओडिशा में होगा दिस इज़ गुड इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं आर बी आई पुष्ण कार्ड सिक्योरिटी में हिट मर्चेंट्स एंड लैंडर्स क्या होता है कार्ड पेमेंट करते हैं तो कई बार वो आपका कार्ड सेव हो जाता है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन में आप देखो आपके कार्ड सेव होते हैं तो इसका मिस यूज़ भी एट टाइम्स हो सकता है तो आर बी आई ने कहा कि सारे कार्ड्स को आप डिलीट करो कार्ड सिक्योरिटी में हिट मर्चेंट्स लैंडर्स UPI इज रियली रियली गुड यू पी आई इज गुड तो यू पी आई को शिफ्ट भी हो सकता है कार्ड्स में एक और दिक्कत ये आ रही थी जैसे इसके जो वीजा और मास्टर कार्ड है ये दोनों बोल रहे थे कि इंडिया जो रुपए कार्ड है रुपए वाला उसको एम्फेसाइज कर रहा है तो इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है वीजा मास्टर कार्ड सो दिस इज कार्ड सिक्योरिटी मर्चेंट लैंडर्स एडवांस टैक्स इतना आया इकोनमी रिकवर हो रही है इंडिया इतना ऑफर बिड कर रहा है गैस ब्लॉक के लिए देन भारती क्लेयर्स डिफर्ड ड्यूज टू थाउजेंड फोर्टीन स्पैक्ट्रम फर्ज इन टू जेट देन डी ओ टी अब जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना वो है सैटेलाइट सर्विस का सैटेलाइट जैसे ये वन वेब और स्टार लिंक है ये क्या करेंगे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सीधा आपके घर पर रिले हो जाएगा सो दिस इज देयर अभी जैसे ब्रॉडबैंड आया वो वायर्ड था अभी ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आने का बात है तो इसमें भी अभी सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा टाइम लगेगा बट इट इज जस्ट अबाउट टू हैपन दैन दिस इज स्पोर्ट्स और यहाँ पर है कार्ल्सन ही सो डोमिनेटिंग जो चेस है ना मैगनस कार्लसन मतलब नेक्स्ट लेवल है कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है डज ऑल कॉन्करिंग किंग मैगनज हैव एनी थिंग लेफ्ट टू ए नेक्स सो दिस इज देरी एंड ही इज़ ये वेरी यंग एज वेल तो ये जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे जोकोविक ने कितना डोमिनेट किया है अभी टेनिस में इंग्लिश प्रीमियर लीग डब्ल्यू टी ए वमेन वगैरह टॉप प्लेयर्स जैसे ये क्रिकेट के भी कुछ टॉप प्लेयर्स हैं दैन दिस इज़ दिस आज जैसे सैटरडे है तो आज वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्सट नहीं आता है ओके okay? सो so, आज के लिए दो सवाल हैं ये पहला तो सी सी आई प्रिपेयर करना है और ये सारा कॉम्पिटिशन में क्यों जरूरी है दूसरा आज जस्ट नो अबाउट लद्दाख लद्दाख के बारे में जानिए जितना ज़्यादा जान सकते हैं हम जोग्राफी एंड कल्चर ऑफ ब्यूटी ऑफ लद्दाख ओके सो दिस इज एटीनथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ